जय हिंद वंदे मातरम साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जेएससी के दोस्तों सीपीटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, सर जेएससी का सीपीटी का सिलेबस क्या है। जी हाँ दोस्तों, जेएससी का सीपीटी का सिलेबस दोस्तों प्रोवाइड करा दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके मार्क लग रहा कि आपके मार्क जो है दोस्तों 70+ जा रहे हैं, कितने दोस्तों 70+ जा रहे हैं ना, तो आप जो है सीपीटी की तैयारी करिए, ठीक है ना। अगर लग रहा आपके मार्क्स 70+ हो जाएंगे तो सीपीटी की तैयारी दोस्तों करिए। ये मतलब 70 से नीचे वालों का दोस्तों कम चांस है, मैं उनकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ, उनके चांसेस दोस्तों कम है। लेकिन जो 70+ आ रहे हैं जिनके मार्क्स, चूँकि पेपर का लेवल काफ़ी दोस्तों हार्ड फाई था, मॉडरेट था, इसलिए मैं 70+ लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। फिर भी 120 में से 50 मार्क दोस्तों कम है। चलिए दोस्तों हम सीपीटी के सिलेबस की बात कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है सीपीटी का फुल फॉर्म, ठीक है ना। देख क्वेश्चन पेपर सेल भी आप 50 मिनट, जो क्वेश्चन पेपर होगा दोस्तों वो 50 मिनट का होगा, कितने मिनट का 50 मिनट का। ड्यूरेशन आप 100 मार्क यानी कि 50 मिनट का रहेगा, और दोस्तों जो मार्क रहेंगे वो 100 मार्क के रहेंगे। कंसिस्टिंग ऑफ 50 क्वेश्चन यानी कि उसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप दोस्तों रहेगा एज पर डिटेल गिवन बिलो। दोस्तों कंप्यूटर फंडामेंटल सेक्शन से 10 क्वेश्चन रहेंगे और 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, यानी कि कंप्यूटर का जो फंडामेंटल से दोस्तों रहेगा वो कितने जो है दोस्तों 10 क्वेश्चन रहेंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट एंड इंटरनेट से दोस्तों कितने क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे और 2 मार्क पर क्वेश्चन के लिए। दोस्तों सेम टू सेम एमएस वर्ड के लिए 10 क्वेश्चन, 2 मार्क पर क्वेश्चन के लिए। एमएस एक्सेल की बात करेंगे दोस्तों, एमएस एक्सेल से कंप्यूटर में पटवारी बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए, ठीक है ना। तो एमएस एक्सेल से 10 क्वेश्चन आपको 2 मार्क पर क्वेश्चन, और एमएस पावर पॉइंट से दोस्तों 10 क्वेश्चन 2 मार्क पर क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है। तो अगर हम ओवरऑल की दोस्तों बात करेंगे तो 50 क्वेश्चन और 100 मार्क आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कितने मार्क, आपको जो है दोस्तों 50 क्वेश्चन 100 मार्क दोस्तों मिलने वाले हैं। तो कहने का ये मतलब है, अगर आपका स्कोर जो है दोस्तों 70+ बन रहा है, एग्जाम में लग रहा कि 70+ आ जाएगा ना, तो आप इसकी तैयारी दोस्तों शुरू कर दीजिए। और 70+ वालों का दोस्तों मैं नहीं कुछ कह सकता, ठीक है ना, आप सीपीटी की तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, कंप्यूटर के क्वेश्चन दोस्तों आपको वहीं पर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।